अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं शकीना मलिक। बीजेपी की तरफ से बड़े बयान देते हुए दिलीप जसवाल नजर आ रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गिरिराज सिंह की यात्रा निकलने वाली है और ऐसे में इस यात्रा से अगर बीजेपी ही अवगत ना हो तो ये बड़ी बात है। गिरिराज सिंह जो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने के दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, गिरिराज सिंह की जो यात्रा की शुरुआत होने वाली है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जी हाँ, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं 18 अक्टूबर से। गिरिराज सिंह अक्सर ही अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं, लगातार हिंदू मुसलमान पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में दिलीप जसवाल के बड़े दावे, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे से बात करने से भी भागते हुए नजर आए दिलीप जसवाल। उन्होंने कहा कि देश में विकास चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करके देश को भटकाना नहीं है। वही पप्पू यादव को भी बड़ी सलाह दी उन्होंने। एक बार जरा सुनिए दिलीप जसवाल को क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इन तमाम मुद्दों पर। ये जो है मजबूती के साथ चारों सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद, मतदाता का आशीर्वाद लेगी। झारखंड में कितनी सीट पे आप लड़ेंगे? एनडीए का समझौता हो चुका है, सही समय पर प्रेस को बता दिया। रामगढ़ जो है सर एक अवैध किला की तरह रहा है विपक्ष का, क्या उसको जो है भेद पाएंगे आप लोग? इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, हिंदुस्तान का, भारत का नमक खाते हैं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगी, इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए, नमक खाए, वो इस देश की बुराई करें। और इसका जवाब हरियाणा में मिला है, धीरे धीरे करके सब जगह ये जवाब मिलने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बता देंगे कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है, चुनाव में ही पता चल जाएगा। करने वाला कभी पहले बोलता नहीं, तेजस्वी यादव कल से फिर यात्रा पे। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। हाँ, विपक्ष के नेता जो यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बिहार में बाढ़ आता है लोग त्राहिमाम, दुख से त्राहिमाम करते हैं, उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई घूमते हैं, विदेश घूमते हैं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। और बाढ़ जब अब समाप्त हो गया, बेचारे कष्ट में है, तो अब डफली बजाने के लिए जाएंगे। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है? अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? देखा जाए तो जब से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दिए ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। सर एक मेरा सवाल है, पूर्णिया के सांसद ने कहा है कि देश जो है हिजड़ा हो गया, जिस मायने में उन्होंने ट्वीट किया है इसको आप किस रूप में लेते हैं? पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे, तब पता नहीं किनका कौन सा ग्रुप है, हम नहीं जानते हैं। अपराधियों को लेकर बोले आप? हाँ, तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को ये को इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती, कि ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। जनता दल यूनाइटेड जो है एनडीए के साथ है, बिहार में सरकार चल रही है, झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपना सीट लिस्ट जारी कर दिया, कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ठीक है, वो तो दल का फैसला होता है और फैसला के बाद ही रिजल्ट आता है। सर आप और जदयू एनडीए में वहां भी मिलकर एकदम एनडीए, झारखंड में भी उसी तरह एकदम एनडीए सशक्त है, उसका सब फैसला हो चुका है, सही समय पर आपको बता देंगे। अच्छा, हिंदुओं को अल्पसंख्यक से सही में खतरा है? आप लीजिए, ये सब सवाल जो है
इस देश को बर्बाद करने में ना आप अपना सहभागिता कीजिए ना हमको कराइए, इस देश को बचाइए। संसद मार्ग का जो दीवार घेरा जा रहा है, विपक्ष कह रही राजनीति हो रही है, ये तो वहीं पता चलेगा। आप भी अपना कहीं वास्तु गड़बड़ हो तो घर लगवा लीजिए। तो आपने सुना दिलीप जसवाल को, गिरिराज सिंह की यात्रा निकलने वाली है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह निकलने वाले हैं और इस यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को इकट्ठा करना, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल इस यात्रा की जो शुरुआत होगी 5 जिलों में ये यात्रा कंप्लीट की जाएगी। वहीं गिरिराज सिंह ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां पर मुसलमान की आबादी ज्यादा है वहां पर वो हिंदू जो भी जितना वहां पर हिंदू है उनको वो अवेयर करना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं, हिंदुओं के अंदर हिंदू भक्ति जगाना चाहते हैं। ये गिरिराज सिंह के दावे हैं, लेकिन ऐसे में दिलीप जसवाल इन तमाम मुद्दों से हटते हुए नजर आ रहे हैं। दिलीप जसवाल से जब गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर पूछा गया तो दिलीप जसवाल साफ तौर पर मुकर गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस यात्रा के बारे में तो पता ही नहीं है, और जो भी यात्रा अगर निकल रही है मेरा ये मानना है कि देश में विकास होना चाहिए, यानी बिहार के विकास पर बात किया उन्होंने, लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा पर हाथ झाड़ते हुए नजर आए। जिस तरह से एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की जदयू पार्टी है, नीतीश कुमार ने हमेशा ही बिहार में नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो सेकुलर रही है, नीतीश कुमार ने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की है, और ऐसे में गिरिराज सिंह का ये यात्रा निकालना ये नीतीश कुमार की भी मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार भी इस यात्रा के खुश नहीं नजर आ रहे, जदयू की तरफ से भी बड़े बड़े दावे नजर आ रहे हैं, जदयू की तरफ से भी नाराजगी नजर आ रही है इस यात्रा को लेकर। जदयू और नीतीश कुमार के जो विचार हैं, यहां पर हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बढ़ाना, एक साथ लेके चलना, नीतीश कुमार की राजनीति इतने वक्त से टिकी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की, और ऐसे में एनडीए में शामिल होने के बाद अगर बीजेपी की तरफ से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है तो क्या नीतीश कुमार इसके सपोर्ट में खड़े हो पाएंगे? देखिए, दिलीप जसवाल ने पप्पू यादव को लेकर भी एक बड़ी सलाह दी है। दरअसल पप्पू यादव ने हाल में ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लॉरेंस बेस्नोय के गैंग को 24 घंटे में खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस गैंग का साफ कर। लेकिन ऐसे में दिलीप जसवाल ने कहा कि पप्पू यादव को ना सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। बॉक्सर ही इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी पप्पू यादव की जो बयान होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता, वो कुछ भी बोल जाते हैं। इसीलिए बिहार क्या पूरे देश भर में जिस तरह से अपराध बढ़ चुका है तो पप्पू यादव को अब सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। वहीं देखिए, चुनाव को लेकर यानी विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है जिसको लेकर भी दिलीप जसवाल ने बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में हार हुई, राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में उन्हें झुंझुन्ना दिखा दिया गया, यानी हरियाणा चुनाव हुआ, माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है और अचानक से माहौल में तबादला हो जाता है, वहां पर बीजेपी की जीत हो जाती है, इस पर भी दिलीप जसवाल ने बड़े दावे किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होने वाली है, यानी तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 अक्टूबर से उनकी ये यात्रा दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में जब दिलीप जसवाल से ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि जब तेजस्वी यादव बाढ़ के वक्त में दुबई में होते हैं, तेजस्वी यादव हमेशा ही घूमते हुए रहते हैं, जनता से मुखातिब होने का कोई उनका इरादा ही नहीं दिखता है, तो अब जब बाढ़ की समस्याओं से लोग बाहर निकल गए हैं तो क्या करने जा रहे हैं? लोगों से मुलाकात करने? जो नेता यहाँ रहता ही नहीं है, जो हमेशा ही विदेश के दौरे पर होता है। देखिए, तेजस्वी यादव अभी हाल में ही जब उनकी यात्रा की समाप्ति हो गई थी तब वो दुबई चले गए थे, जिसको लेकर तमाम सत्ता पक्ष के लोग इस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इंसान, जिस व्यक्ति को अपनी जनता का ख्याल नहीं है फिर वो चुनाव में क्या ही खड़ा उतरेगा। वहीं प्रशांत किशोर के बड़े दावे किए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस बार के चुनाव में वो तमाम दलों को बता देंगे। ऐसे में दिलीप जसवाल ने किया कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो बड़े बड़े काम करता नहीं है, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं करता है, और प्रशांत किशोर की पार्टी को भी दिलीप जसवाल ने जमकर खरी खोटी सुनाई। ऐसे में जो मेन मुद्दा है, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की यात्रा जो निकलने वाली है 18 अक्टूबर से, और इस यात्रा की जो शुरुआत होने वाली है वो गिरिराज सिंह के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, तमाम हिंदू जो भटक गए हैं, तमाम हिंदू जो अभी कुछ ऐसे भी MY समीकरण में जा रहे हैं,
कुछ ऐसे हिंदू हैं जो अभी प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ है, लेकिन ऐसे में वो तमाम लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तमाम लोगों के अंदर में हिंदू भक्ति जगाना चाहते हैं गिरिराज सिंह, ये गिरिराज सिंह का कहना है। खैर, इस पूरी खबर में आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।